देना। अगर आप कोई भी काम करो, कोई भी, जैसे दुकान करना है, सगाई करनी है, कोई नई साइड लेनी है, कोई भी धंधा करो, आप अपनी लक्ष्मी को पूछ लो। मैं अपने दिल के विश्वास के साथ में कहता हूं, अगर उन्होंने बोल दिया पतिदेव ये कर लो, तो आपको जिंदगी में कभी घाटा नहीं होगा महाराज। अगर उन्होंने बोल दिया तो आप तो कई कहवा कि लुगाई ने कई ठा पड़े, ये सबसे हमारी बुद्धि कांच है। अरे जीती इन्होंने ठा पड़े के जीती ओपो ने ठा नहीं पड़े। उन्होंने घर में कोई भी काम काज रही, कोई नुकसान गई नहीं, पर समझ में नहीं आ रहा पहले कैसे पता चल जाता है इनको, इनका मन कहने लग जाता है। पर ओपो मानो तो ओपो कहीं चुपचाप बैठ जा, मां तो नहीं खा लो वो बम बोली जड़े कहीं थूकती जगह वेगी हो वो वेणु ही हो महाराज। अब देखिए जिस जिसने माता बहन की एक ईमानदारी से बोलना, आपरी बेटी रो कहनो अगर आप रो जमाई नहीं माने तो ईमानदारियों की जो आप रो दिल दुखेला कि नहीं दुखेला, कितनी आत्मा रोवेला आपरी। महाराज पिता है ना, पिता पिता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आए, ये पिता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है महाराज। पिता सब देख सकता है पर उसकी बेटी को ससुराल से रोते हुए रोती हुई कब बेटी आ जाए तो पिता रो काल चो निकल जाया करे, मारी बेटी ने कैडी करी में खाडा में नेग दी। महाराज आप कितना सहन कर लोगे पर बेटी रो दुख सहन नहीं रहे। महाराज आप रो जमाई आपरी बेटी रो कहनो नहीं माने उन दिन आपने कितो दुख लागे महाराज, लागे ना सबने लागे, किन किन लागे मुझसे आप कर जो सबने लागे। अब देख जो वाह, जब आपरी बेटी रो कहनो आप रो जमाई नहीं माने तो आपने बहुत दुख लागे, तो मारा भाई आप भी तो किना जमाई सा हो था पढ़ियो नहीं पढ़ियो। जमाईसा को गलत बताने से पहले शायद आप गलत हो, आप अपनी लक्ष्मी का कहना नहीं मानते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बेटी को समाचार मिल जाए कि तेरा भाई दुनिया से चला गया इतनी रोती नहीं है, मां चली गई तो रोती नहीं है, जैसे बेटी को पता चले कि तेरे पिता इस दुनिया से चले गए, समझ लो उसका तो आसमान टूट पड़ा महाराज। वो आके गेट पे उसकी दहरीज पे आके इतनी रोती है, इतनी रोती है कि आज से मेरा अंजन पानी इस घर से टूट चुका है, अब मेरा इस घर में कोई काम नहीं है महाराज। वो इतनी रोती है फिर भी हम महाराज कदर नहीं करते हैं, इसलिए वंदन करता हूं। आप अपनी बेटी की इज्जत चाहते हो तो आपके घर में कोई पराई बेटी आई है उसकी इज्जत कर लो महाराज, उसको लेवल दे दो, उसको आदर भाव दे दो महाराज, फिर भी कौन देखता महाराज। ये माता बहने आठ गुना ज्यादा काम करती है घर में, कितना आठ गुना ज्यादा काम, फिर भी हम लोग इनकी कोई कदर नहीं करते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक 15 दिन के लिए इनको पीर भेज दो, बस फोन ठा पड़ जाए, हिम्मत नहीं रहे कौन पिपाड़ी हो जाए महाराज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 15 दिन अगर पीर चली जाए ना तो हालत खराब होती है। अरे 15 दिन छोड़ दो, आप सुबह से लगाकर शाम तक घर पे जाते हो, पूरा दिन दुकान पे काम करते हो और शाम को घर पे जाते हो, ईमानदारी से बोलना, सच बोल देना मेरे सामने, झूठ मत बोलना। जैसे ही आप घर पे गए, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपके पापा आपके मम्मी सब घर पे हैं, पर आपरा लक्ष्मी जी आपने आधा घंटा तक दिखिए ही को नहीं। ईमानदारी हो के जो तो किता घंटा दो कहीं क्यों पहली रसोई में देखो अटी देखो अटी देखो, जने नजर नहीं आवे जने कहीं क्यों ए बेटा थर मम्मी कट गी रे, मम्मी गी गुलपियां बेचने। आधा घंटा तक अगर आपकी लक्ष्मी आपको नहीं दिखी तो आपकी यह हालत हो गई, इसका मतलब क्या है कि वो घर की आत्मा है महाराज। कौन है घर की आत्मा, मोबाइल तो है पर सिम है को नहीं। तो महाराज कदर कर लो, नंबर एक। नंबर दो, कौन कौन ऐसे महापुरुष है जो घर में अपनी लक्ष्मी की हेल्प करते हैं, जैसे घर में झाड़ू निकालना, बर्तन धोना, ये करना, एक हाथ ऊपर हो गया कृष्ण का, दो हुए
बहुत अच्छी बात है, जो जो घर पे हेल्प करते हैं वो शास्त्रों में घर के देवता बताए गए। क्या बताए? जो जो घर पे हेल्प करते हैं वो घर के देवता बताए, और जो हेल्प नहीं करते उनका तो नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उनका नाम लेना भी। अरे महाराज एक एक बात मानिए, आप घर में झाड़ू निकाल रहे हो और डायरेक्ट जैसे सुरेश जी आप घर में झाड़ू निकाल रहे हो और ये सेठ जी आए और ये आके बोले सेठ जी आप घर में झाड़ू निकाल रहे हो, नहीं घर में झाड़ू निकाल रहे हो, तो आपको जवाब क्या देना है कि सेठ जी ये आपको घर लग रहा है पर मैं इसको घर नहीं मानता, मैं इसको मेरा मंदिर मानता हूं और मंदिर में मैं झाड़ू निकाल सकता हूं, बर्तन धो सकता हूं और साफ सफाई कर सकता हूं। आप मंदिर मान लो ना, एक चेंज एक सेकंड लगेगा आपको चेंज होने में, पर कोई मंदिर माने तो आज के बाद में कौन कौन मंदिर मानेंगे? ऊपर हाथ करो घर को, पक्की बात है? झाड़ू निकालोगे घर पे? बहुत अच्छी बात है। अरे आज चलो चलो चलो, झाड़ू मत निकालना, बर्तन मत धोना, एक शब्द तो बोल देना, एक शब्द बोल दे जो कितो घरे जाने, एक शब्द बोल लो कि लक्ष्मी जी इतो काम मत करो, हमारो जीव घणो बड़े, दूसरे दिन डबल काम करी, पर आप तो जाओ तो कहीं क्या कहीं करती, आखो दिन आके चूल्हा पे डांस करती, कुछ नहीं करती। हे महाराज कदी तो हे भाई एक चार एक चीज कोणिया ने कोणो केवो इच क्यों आप तो ताको राखो, हे कोणिया वो के थारी आंख फोड़ू देख छ। सही बात है ना, इसलिए मैं वंदन करता हूं कि घर ऐसे चलता है, या तो माफ कर लो या माफी मांग लो।